हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए रीजनिंग के 5 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर करिएगा, इससे हर एक लोग कुछ नई नई चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए पहला क्वेश्चन लेके आऊँ। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो ये पता करने के लिए दोस्तों अगर आप काउंट करने जाओगे तो पेपर ही छूट जाएगा, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। आपके लिए मैजिकल ट्रिक लेके आऊं। करना क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट है, मतलब आप 1 काउंट कर लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप 2 काउंट कर लीजिए, और इस पॉइंट से इस पॉइंट में 3 काउंट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3। ये मार्किंग कर लिया। तो यहां पर देखोगे 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको 3 का क्यूब कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 27। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं दोस्तों, 27 है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, लेके आओ। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल ट्रिक है दोस्तों। आपको लॉजिक फाइंड करना होगा कि किस पैटर्न में सम दिया हुआ है। आप देखोगे यहां पर 90, यहां पर 18, यहां पर 36। कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर 13, यहां पर 26, यहां पर 65। अब दिमाग पे कुछ आ रहा है कि 13 का टेबल कुछ हो रहा है यहां पर, देखिए, क्योंकि 13 को दोस्तों मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 26 आएगा, और 13 को दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 65 आएगा। कुछ लॉजिक आ रहा है, तो यहां पर भी चेक कर लेते हैं कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। यहां पर देखोगे तो सबसे छोटे नंबर से कमाल हुआ है, तो यहां पर छोटा नंबर कौन सा है, 18 छोटा नंबर है। तो यहां पर देखोगे तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 36 आएगा, और यहां पर 18 को मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 90 मिल जाएगा। कमाल हो गया, ट्रिक पता चल गया। तो यही ट्रिक से दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखोगे 15 दिया है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 75। तो यहां पर देखोगे 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे दोस्तों, 15 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो 15 2 से क्या होगा दोस्तों, 30 होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लेके आओ आपके लिए, और यहां पर क्वेश्चन मार्क दिया और आपको आंसर आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड कर पाओगे, सिंपल ट्रिक है दोस्तों, आपको यहां पर भी पैटर्न समझना होगा। तो देखोगे यहां पर 3 नंबर देखिए बाहर दिया और 1 नंबर देखिए बीच में दिया है, राइट। तो यहां पर 64, यहां पर 49, यहां पर 36, यहां पर 121, यहां पर 100, और यहां पर 81। कुछ समझ में आया, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब दोस्तों 64 मतलब क्या होगा, 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 49 मतलब क्या होगा दोस्तों, 49 मतलब होगा दोस्तों 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। आप देखोगे 36 देखोगे तो 6 का स्क्वायर है, और यहां पर देखोगे 121 तो 11 का स्क्वायर है, और 100 मतलब 10 का स्क्वायर, और 81 मतलब 9 का स्क्वायर। कर तो दिया सब कुछ, लेकिन ये लॉजिक सही है कि नहीं, वो भी चेक करना होगा, राइट। तो यहां पर देखोगे ये 8, और यहां पर देखोगे 6, और यहां पर 7। तो 8 प्लस 7 प्लस 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 21। तो यही लॉजिक यहां पर यूज करके देखता हूं मैं। तो यहां पर देखोगे 11 प्लस 10 प्लस 9, तो यहां पर 11 प्लस 9 कितना होगा, 20 होगा, और 20 प्लस 10 कितना होगा, 30 होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 30 आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे लॉजिक फाइंड करके अब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन। अभी लोग जानते हो दोस्तों कि 10th स्टैंडर्ड का सेशन स्टार्ट हो चुका है, और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज्ड है कि मैथ्स की प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक अवेलेबल है। लेकिन आपके लिए एक बेस्ट बुक लेके आओ मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, ओसवाल का ये बुक दोस्तों। इस बुक के अंदर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इस बुक का नाम है क्वेश्चन बैंक। और यहां पर दोस्तों चैप्टर वाइज और कैटेगरी वाइज आपको क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, हर एक चीज दोस्तों इसमें डिटेल मिल जाएंगे आपको। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज, मतलब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहां पर आपको दिया गया है, और यहां पर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है, और यहां पर एसरेशन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। और इस बुक को दोस्तों जो सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट दिया है 31 मार्च 2023 के हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया गया है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके परचेस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आओ। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लिया है कोडिंग डिकोडिंग में से, और यहां पर क्या दिया है दोस्तों, MINT मिंट बराबर 3940 दिया है, मतलब मिंट का कोड क्या दिया दोस्तों, 3940 दिया है। तो करना क्या है आपको, टेल का कोड आपको फाइंड करना है, ऑप्शन में दिया है। तो कैसे फाइंड कर पाओगे, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो अल्फाबेट के नंबर को लिख लेना होता है। तो यहां पर देखोगे अल्फाबेट नंबर क्या होता है, एम का दोस्तों होता है 13 होता है। तो यहां पर
का 13, और आई का नंबर क्या होता है दोस्तों, आई का नंबर होता है 9 होता है, और एन का नंबर क्या होता है दोस्तों 14 होता है, और टी का नंबर दोस्तों यहां पर 20 होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर 3940 दिया है, कैसे आएगा? तो यहां पर ध्यान दोगे दोस्तों, यहां पर 20 है तो यहां पर 0 लिया गया है, मतलब पीछे का नंबर लिया गया है, यहां पर 14 है तो 4 लिया गया है, और यहां पर 9 है तो 9 लिया गया है, मतलब 0 9 और 9 एक ही बात है ना, तो यहां पर 9 का 9 लिया है, और यहां पर 13 का क्या किया दोस्तों 3 ले लिया गया, यहां पर 3 आ गया है, मतलब हमको लॉजिक पता चल गया है। तो यहां पर टी का अल्फाबेट नंबर क्या होगा 20 होगा, और ए का अल्फाबेट नंबर 1 होगा, एल का अल्फाबेट नंबर 12 होगा, और ई का अल्फाबेट नंबर 5 होगा, ठीक है। तो यहां पर 5 दिया है, सिंगल डिजिट दिया है, तो पीछे का नंबर 5 भी होगा, तो यहां पर 5 लिखूंगा मैं, यहां पर 12 दिया है तो पीछे का नंबर 2 है तो यहां पर 2 लिखूंगा मैं, और यहां पर 1 सिंगल डिजिट है तो 1 ही लिखूंगा मैं, और यहां पर 20 दिया हुआ है तो पीछे का नंबर 0 है तो यहां पर 0 लिखूंगा मैं। तो टेल का कोड क्या आ गया दोस्तों 0125, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन, तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आऊं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन लिया गया नंबर एनालॉजी में से, तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है? सबसे पहले पैटर्न को समझना होता है कि यहां पर 83:25 दिया है तो 29:? मतलब इन दोनों में से कुछ पैटर्न निकालना होगा आपको, कुछ लॉजिक फाइंड करना होगा, और उस लॉजिक से मैजिक बनाकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो यहां पर 83, यहां पर 25, तो क्या होगा? ये 25 दोस्तों कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर लग रहा है, तो यहां पर 8 और 3 है, तो अगर 8 में से 3 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 5, तो यहां पर 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25 मिल जाएगा। तो यही लॉजिक को यहां पर यूज करके देखता हूं, तो यहां पर देखोगे 2 है और माइनस 9 करूंगा तो मुझे माइनस 7 मिल जाएगा, और इस माइनस 7 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 49। देखिए ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।